بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله آج سورة الفيل کا مطالعہ کریں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनकी चालें बर्बाद नहीं हो गईं? क्या उनकी चालों को बर्बाद नहीं कर दिया और उनके ऊपर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो आग के पत्थर उन पर बरसा रहे थे और उनको खाया हुआ भूसा बनाकर छोड़ दिया था। आयात ये बताती हैं तर्जुमे से अंदाज से ये महसूस होता है कि कोई अहम वाकया हुआ था जिसकी तफसीलात नहीं हैं, लेकिन वो वाकया शायद इतना मशहूर था कि तफसीलात की ज़रूरत नहीं थी और इशारों ही इशारों में बात समझ में आ गई थी। ये अस्हाबुल फील क्यों थे? उनके साथ क्या किया गया था? कौन सी चाल लेकर आए थे वो जिसको अल्लाह ताला ने नाकाम कर दिया था? और फिर उनके ऊपर ये झुंड के झुंड परिंदे क्यों आए थे जिन्होंने पत्थर मार मार कर उनको खाया हुआ भूसा बना दिया था? ये तफसीलात तो यहाँ नहीं हैं। और फिर ये शुरू जिस अंदाज से इसकी शुरुआत हो रही है, क्या तुमने नहीं देखा, तो इससे तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ सबकी देखी हुई थी और सब जानते थे, ये सिर्फ इशारे काफ़ी थे। तफसीर की किताबों में बहुत तफसील से इस वाक़े का जिक्र किया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल ये लिखा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील में पैदा हुए, यानी उसी साल पैदा हुए थे जिस साल ये वाक़या पेश आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो नबुव्वत मिली और उसके कुछ अरसे बाद ये सूरह नाजिल हुई। अगरचे ये मक्की सूरह है लेकिन बहुत आगे की नहीं, इब्तदाई ज़माने की है, लेकिन वो वाक़या कुछ इतना अहम था कि 40 साल गुजरने के बाद भी लगता था कि नज़रों में है और अल्लाह सुभान व तआला ने भी ऐसे ही मुखातब किया कि क्या तुमने नहीं देखा था ये वाक़या क्या था। इसकी तफसीलात जो तफासिर में मौजूद है कि यमन का बादशाह एक हबशी इंसान था जिसका नाम अब्राहा था और उसकी ये कोशिश थी, ये ख्वाहिश थी या ये अज़्म था कि वो उस सफ़र को नाकाम बना दे, तिजारती सफ़र को जो अरब के लोग करते थे। कल सूरह कुरैश की तफसीर में ये पढ़ा था कि अरब के लोग शाम का और यमन का सफ़र करते थे और बावजूद खतरात के ये सफ़र उनके लिए बहुत ही मानूस और मालूफ हो गया था। तो अब्राहा उनकी इस तिजारत को नाकाम करना चाहता था और वो ख़ुद इस पूरी सरमाए का मालिक होना चाहता था। तो उसने ये स्कीम बनाई कि अपने यहाँ यमन में एक इबादत खाना बनाया जाए और लोगों से कहा जाए कि अब इस साल हज करने यहाँ आना होगा, मक्का नहीं जाना होगा, और जब लोग उस पर कोई इतराज़ करेंगे तो जंग का बहाना मिल जाएगा और फिर हम मक्का जाकर उनको मिटा देंगे, उनका काबा गिरा देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, ना वो रहेंगे, ना उनकी तिजारत, ना उनका नाम, ना उनका शर्फ, ना उनकी इज्जत, फिर सब कुछ हमारा ही होगा। तो जब इस बात का ऐलान किया उन्होंने तो जाहिर सी बात है
नफ़रत गुस्सा तो आना ही था। तो मुख्तलिफ अक़वाल पाए जाते हैं कि अरबों ने या कबीले कुरैश के लोगों ने इसका क्या रद्द अमल हुआ, और उस रद्द अमल को बहाना बनाकर अब्रहा ने चढ़ाई कर दी। रास्ते में अरब के बहुत से कबीलों ने ये चाहा कि उसको रोक दें, लेकिन वो लश्कर बहुत बड़ा था और हाथियों पर था, जबकि अरब के लोग ऊँटों के आदि थे, हाथियों के आदि नहीं थे, और वो उसका मुकाबला नहीं कर सके। इस तरह से चलते हुए ये लश्कर मक्का के करीब पहुंच गया। ताइफ वालों ने ये देखा कि कोई इनका मुकाबला नहीं कर सका है और हम भी नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ भी एक बहुत बड़ा इबादत खाना था जिसमें लात की मूर्ति रखी हुई थी। उन्होंने अपने इबादत खाने को बचाने के लिए उनको पहले ही आगे बढ़ के बता दिया कि आप जिस चीज़ के लिए आए हैं वो यहाँ नहीं है, वो तो मक्का में है, हमारा एक आदमी जाएगा आपको मक्का का रास्ता बताएगा। इसके लिए अरब वालों ने उनको काफ़ी मलामत की कि तुमने एक अपनी एक मंदिर बचाने के लिए अल्लाह के घर को की तरफ भेज दिया, उसकी हिफाजत का नहीं सोचा। और ये भी आता है रिवायतों में कि जिस शख्स ने उसका पता बताया था मक्का की जल्दी जाने के लिए रहनुमाई की थी, मक्का पहुंचने से पहले पहले उसका इंतकाल हो गया था, और अरब वाले सालों उसकी कब्र पर पत्थर मारते रहे, उसको संसार करते रहे कि ये वो शख्स था जो अल्लाह के काबे की तरफ जाने वाले दुश्मनों की रहनुमाई कर रहा था। जब मक्का वालों ने सुना कि ये सूरत हाल है, मक्का पहुंचने से पहले पहले मक्का के बाहर की चरागाहों में जो ऊँट चर रहे थे, अब्रहा के आदमी वो सारे ऊँट पकड़ कर ले आए, और अब्रहा ने अपना कासिद मक्का भेजा कि जाओ उन लोगों से कह दो कि हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम लोग यहाँ हाथ सामने मत आना, हम सिर्फ काबे को मुनहदिम करने आए हैं। जब वो वहाँ पहुँचे कासिद, तो मुलाकात की प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब से, वही उस वक्त कुरैश के सरदार थे। उनसे कहा कि आप अपने लोगों से कह दीजिए वो सब अंदर रहें, हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम सिर्फ खाने काबा ढाने आए हैं। उन्होंने कहा खाने काबा का एक मालिक है, वो उसकी हिफाजत करेगा। कहा कि अगर तुम मुलाकात करने के लिए चलना चाहो तो अब्रहा के पास चल सकते हो। वो तैयार हो गए। अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही वजीह शख्सियत के मालिक थे, उनको देखकर अब्रहा मुतासिर हुआ और उतरकर सामने आ गया। लेकिन जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊँट लेने आया हूँ, जो ऊँट आप लोगों ने हकाए हैं उसमें 200 ऊँट मेरे भी हैं। अब्रहा को बहुत हैरत हुई, तुम ऊँट का सवाल करने आए हो और हम तुम्हारा खाने काबा ढाने आए हैं। उसने कहा कि मैं ऊँट का मालिक हूँ। अब्दुल मुत्तलिब की ये इबारत बहुत मशहूर हुई, उन्होंने कहा कि मैं ऊँट का मालिक हूँ, वो ऊँट मुझे वापस कर दो, उस घर का एक मालिक है, एक रब है, वो उसकी हिफाजत करेगा। अब्रहा ने उनकी बात को बहुत हल्के में लिया और उनके ऊँट वापस कर दिए, वो वापस लेकर आ गए। जब इन लोगों के ऊँट वापस आ गए, इन लोगों ने खाने काबा में जाकर दुआ मांगी। जो दुआ मांगी वो भी तफासीर में और तारीख में मौजूद है। उन्होंने खाने काबा से लिपट कर दुआ मांगी कि अल्लाह ये तेरा घर है, हम अपने घर की हिफाजत करते, तू भी अपने घर की हिफाजत कर, तू कभी इन ईसाइयों को इस पर गलबा मत लेने दे, अल्लाह शर्मिंदा मत करना कि ये लोग खुदा के घर पर इनकी इस कुदरत हो जाए, ये उनका कुछ अख्तियार इसको हासिल हो जाए, अल्लाह तू ही अपने घर की हिफाजत करना। उसके बाद फिर ये लोग वहाँ से हट गए, और जब अब्रहा ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर वो हुआ जो यहाँ इशारों में बताया गया है। उनकी वो चाल नाकाम रही, वो खाने काबा पर नज़र भी नहीं डाल सके, उसको मुनहदम क्या करना। लोगों ने देखा कि जब उन्होंने मक्का की तरफ बढ़ने का इरादा किया
तो पहले तो हाथी के पाँव धंसने लगे, वो अड़ गया, आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। जबरदस्ती उसको आगे बढ़ाया जा रहा था, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद जब उन लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर झुंड के झुंड परिंदे आ गए। अबाबील कहते हैं झुंड के झुंड परिंदे हर तरफ से चले आए, परिंदे हों या लोग हों, जब झुंड के झुंड हर तरफ से चले आए उसको अबाबील कहते हैं अरबी में। तो ये तायरन अबाबील, झुंड के झुंड परिंदे आने लगे। उन परिंदों की चोंच में एक अंगारा होता था, या वो पत्थर ही था, देखने में पत्थर था लेकिन वो दोजख का पत्थर था। तफासीर में आता है कि जब पत्थर किसी के ऊपर भी गिरता तो बस उसका बदन वहीं से गलना शुरू हो जाता और वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। अब्रहा के फौजी, उसका लश्कर, उसके सिपाही हक्का बक्का थे। बुरी तरह पत्थरों की बारिश हो रही थी और जो जहाँ गिरता था वहीं बेकार हो जाता था। जिसने भागने की कोशिश की वो भी भागकर बहुत दूर तक नहीं पहुँच सका। और फिर इस तरह से गिरते पड़ते कटते मरते वो लश्कर बर्बाद हो गया, उनकी चाल बर्बाद हो गई। जो तस्वीर उनकी खींची गई है इस सूरह में कि वो खाया हुआ भूसा हो गए, बिल्कुल बेकार। भूसा तो पहले ही वो चीज़ जो इंसान दाना निकाल कर वो फेंक देता है, और फिर वो जानवरों को खिलाया जाता है तो जानवरों के चबाने में और खाने में जो मुंह में से गिर जाए वो भूसा, माकूल खाया हुआ भूसा, तो वो क्या चीज़ होगी। बस वही हालत थी। और ये वाकया इस कदर मशहूर था, इस कदर मारूफ था कि उसकी तफसीलात बयान करने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। बच्चा बच्चा उससे वाकिफ था, जो उस वक्त बच्चे थे वो तो अब अधेड़ हो गए थे, लेकिन जो अब बच्चे थे वो भी उस वाक़े से वाकिफ थे। और कहा जाता है कि बहुत दिन तक फिर मक्का वालों ने बुत परस्ती नहीं की थी, इसलिए कि वो तो वैसे भी कोई मुसीबत होती थी तो बुतों को हटाकर सिर्फ एक रब की पुकारते थे। और उस वक्त तो बहुत ही बड़ा वाक़या पेश आया था जिसने उनकी और इज्जत बढ़ा दी थी और उनकी अहमियत, उनका मकाम बढ़ा दिया था। सारा अरब, अजम सब इसका एतराफ करते थे, और जो सूरह कुरैश में जो एहसान लिखा हुआ है वो एहसान और बढ़ गया था। अल्लाह ताला उनको याद दिला रहे हैं, भूल गए तुम वो वाकया, भूल गए इस घर की हिफाजत किसने की थी, भूल गए तुम लोग अपने ऊँट और जानवर लेकर, अपने मवेशी लेकर घरों में बंद हो गए थे, भूल गए तुम क्यों दुश्मन आया था तो जो उन तुम्हारे घरों को भी नहीं छोड़ता, तुम्हारा नामो निशान नहीं नजर आता कहीं। किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको ख़त्म किया। और वो जो चाल लेकर आए थे, देखने में तो यही था कि हम अपने माबद की कहीं बदला लेने आए हैं, हमारे इबादत गाह की बेहुरमती की गई है उसका बदला लेने आए हैं, लेकिन उनकी जो छुपी हुई चाल थी कि अरब को ख़त्म कर देंगे और तिजारत हमारे हाथ में होगी, उनकी वो चाल किसने बेकार की थी। ये सारे एहसानात भूल गए, उस रब का कलाम आया उसको झुटला रहे हो, उसका रसूल आया उससे इनकार कर रहे हो, बहुत दूर तो नहीं है ये ज़माना। अल्लाह ताला ने इसकी तरफ इशारा करके उन लोगों को तंबीह की है कि उन लोगों से इस घर को बचाया गया था तब तुमको इख्तियार था, अब कहीं तुमको ना वहाँ से हटा दिया जाए। तो अल्लाह की बंदगी करो और उसके एहसान को याद रखो, उसके कलाम की तस्दीक करो, उसके रसूल की इत्तेबा करो। ये उन्हीं के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। हम सब याद रखें इस एहसान को और रब बंदगी करें सिर्फ अपने रब की, वही हर बात चीज़ पर कुदरत रखता है। اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.